टेक्स भी, मेरा नाम है राहुल भाटी और आपने अभी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइज, आज मैं चला रहा हूँ मारुति की इग्निस, पॉकेट रॉकेट कार है भाई, काफ़ी छोटी सी है। कंपटीशन में इसके वैगनार, एस्प्रेसो और हुंडई से आप ग्रैंड आई 10 को इससे लगा सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। वो थोड़ी महंगी पड़ जाती है इससे, बट मैं अगर उससे कंपेयर करूँगा इस पूरी वीडियो में गाड़ियों को, मतलब इन तीनों चारों गाड़ियों को आपस में कंपेयर करूँगा चलाते टाइम पे। भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंजन की। तो इसमें आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलता है, 82 हॉर्स पावर और आपका 113 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर ये गाड़ी देती है। 5 स्पीड का मैनुअल और 5 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है इंजन के साथ। इंजन जो है इसका 4 सिलेंडर का इंजन मिलता है, नेचुरली एस्पिरेटेड, टर्बो वगैरह जो वो नहीं मिलता है इसके साथ। सबसे पहले भाई परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूँ। परफॉर्मेंस जो है, जो इसके लोअर गियर है फर्स्ट और सेकंड, उसमें तो अच्छी आती है, बट जैसे जैसे आप गियर्स को इंक्रीज करोगे ना, टॉर्क जो है वो बहुत कम होता चले जाता है। बाकी पावर डिलीवरी जो है वो काफ़ी लीनियंट है और ठीक है, मतलब पावर डिलीवरी वगैरह और टॉर्क जो है वो अच्छा है, काफ़ी लीनियंट रहता है। पावर स्टार्टिंग वाले गियर में ज़्यादा आती है फर्स्ट और सेकेंड में, उसके बाद बहुत कम हो जाती है पावर भी। नॉइज़ की बात करूँ तो भाई कैबिन में नॉइज़ आती है जब आप इंजन को हायर आरपीएम पर चलाओगे, तो मारुति के इंजन आपको पता ही है नॉइजी हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। वहीं मैं हुंडई के इंजन को कंपेयर करूँगा तो हुंडई के इंजन भी नॉइजी हो जाते हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं होते। गियर शिफ्ट जो है इसके ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली चीज़ हुंडई जितने अच्छे नहीं है। हुंडई का अगर 20 है तो भाई इसका 18 है गियर शिफ्ट में। और भाई स्टेयरिंग के रिस्पॉन्स की बात करता हूँ, एक इसका स्टेयरिंग ना थोड़ा हार्ड है भाई, एज़ कम्पेयर टू अगर मैं वैगनार से कंपेयर करूँ या मारुति की ही किसी और गाड़ी से कंपेयर करूँ तो उसके कंपेरिजन में थोड़ा हार्ड लगता है। हुंडई के कंपैरिजन में भी ये हार्ड है, बाकी रिस्पॉन्स इसका अच्छा है। जब आप इसे हायर स्पीड पर चलाओगे तो भाई काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इसका आता है स्टीयरिंग का। ड्राइवर जो है ना वो कॉन्फिडेंस लूज कभी नहीं करेगा इस स्टीयरिंग के साथ, क्योंकि भाई मारुति हर चीज़ में अच्छी है, बस एक बिल्ड क्वालिटी को छोड़ के और एक पेंट क्वालिटी को थोड़ा मान लो आप। तो भाई वो बात तो आपको मैंने बता दी। ब्रेक की बात करूँ तो भाई आगे डिस्क ब्रेक मिल जाएंगी, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगी। ब्रेक का बाइट जो वो ओके ओके कह सकते हो, मैं इसे बिलो एवरेज मान के चलूँगा, अब एवरेज भी मैं इसे नहीं दूंगा, मैं इसे बिलो एवरेज मान के चलूँगा। आउट ऑफ 10 दूँ तो भाई 4 नंबर मैं इसकी ब्रेक्स को दे दूंगा, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे ठीक है, 6.5 लाख के हिसाब से इसकी ब्रेक ठीक है। बट अगर मैं टाटा पंच पे देखूँ तो भाई टाटा पंच की जो ब्रेक्स हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि वो भी इसी सेगमेंट की है तो वो SUV, बट है तो वो इसी सेगमेंट की गाड़ी। टाटा पंच ब्रेक्स के मामले में इससे ज़्यादा अच्छी है। हॉर्न आप सुन सकते हो भाई, इस क्वालिटी का हॉर्न मिलता है भाई, बहुत गंदा। अब मुझे तो ये लगता है कि भाई वॉक्सवैगन वर्टस जो 12-13 लाख रुपए की गाड़ी है बेस वेरिएंट, उसमें भी हॉर्न मिलता है भाई, मतलब कॉस्ट कटिंग की हद है। अब गाड़ी कंपनी होगी ना, किसी भी लेवल पे कॉस्ट कटिंग करने के लिए वो तैयार है। क्लच जो है भाई इस गाड़ी का अच्छा, उससे मैं बड़ा खुश हूँ। क्लच एकदम लाइट है भाई इस गाड़ी का, आप मतलब कितना ही ट्रैफिक में इस गाड़ी को चला लेना आसानी से तो आपके पैर में दर्द होने नहीं वाला। और भाई की भाई सस्पेंशन की बात करूँ तो भाई सस्पेंशन इस गाड़ी का स्टिफर साइड पर ही है, स्टेबिलिटी इस गाड़ी में बहुत कम है भाई, मैं सही बता रहा हूँ। स्टेबिलिटी ना इस गाड़ी की इतनी अच्छी नहीं है जितनी वैगनार की है। वैगनार की स्टेबिलिटी अच्छी है, ग्रैंड आई 10 की भी इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी अच्छी होगी। टाटा पंच की तो आप भूल गए, उसकी तो स्टेबिलिटी नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि भाई उन गाड़ियों में वेट है, इस गाड़ी में वेट जो है वो कम है। टाटा की गाड़ियों में वेट ज़्यादा भी होता है, क्योंकि वो बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रखते हैं और मटेरियल को ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी गड्ढे वगैरह आते हैं तो भाई कैबिन में नॉइस वगैरह तो आती है, जितना मैंने गाड़ी को चलाया जितना मुझे फील हुआ उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब बड़े गड्ढे आते हैं जब तो बहुत कम स्पीड में भी आपको फील हो जाएगी कि भाई गाड़ी में से आवाज़, मतलब कैबिन में आवाज़ आ रही है अंदर, वो चीज़ आपको फील हो जाती है। तो ये था मेरा मारुति इग्निस का ड्राइविंग एक्सपीरियंस। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। होप यू गाइज हैव एंजॉयड माई वीडियो।